सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी सर, लॉकडाउन में गरीबों को बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है, प्रवासियों को भी। लॉकडाउन विश्व की महामारी से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय किया और देश के लोग ने सहयोग किया, और लेकिन लॉकडाउन से जो उत्पन्न परिस्थिति है उससे मुकाबला करने में सरकार विफल रही है, और ये मजदूर, गरीब आदमी, खास करके प्रवासी मजदूर उपेक्षा के शिकार हो गए। हर कोई घर लौटना चाहते क्योंकि वहाँ का काम बंद हो गया। भुखमरी से बचने के लिए देश प्रदेश के लाखों लाख मजदूर अपना घर लौटने को आतुर हैं। कुछ बहुत देर से सही सरकार ने कुछ व्यवस्था भी की, लेकिन वह व्यवस्था पर्याप्त नहीं रहने की वजह से लोग सड़क पर रेल लाइन पर कट रहे हैं, भूख को मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में सैकड़ों मजदूर मर गए, कोई देखने वाला नहीं है। कौन जिम्मेवार है? ये जो औरंगाबाद जो ट्रेन पकड़ने जा रहे थे मजदूर, और ये साधारण दुखद है देश के लिए और प्रदेश के लिए शर्मनाक कि मजदूर जो घर लौटने को आतुर हैं, 40 किलोमीटर चलते चलते थक गए, आराम कर रहे थे और ट्रेन से कट गए, कोई देखने वाला नहीं है, न राज्य सरकार, न भारत सरकार, कोई उसके नहीं। क्या लगता है सर, सरकार फेल है? लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति से मुकाबला करने में सरकार विफल हो गई, फेल है, और खास करके गरीब आदमी इनका एजेंडा में नहीं, मजदूर एजेंडा में नहीं। लॉकडाउन करने वाले को पहले सोचना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हैं, उनका क्या होगा? वहाँ ठेकेदार लोग काम बंद कर दिया, कंपनी वाले लोग काम बंद कर दिए, कारखाना बंद हो गया, उनका भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। अब एगो नेमोचूस बांट रहे हैं, जो कोई भूखा आदमी को नेमोचूस से वो दे दिया जाए तो क्या होगा? उसी तरह से हम 1000 भेज दिया, 500 भेज दिया, आप इंजाम क्या किया उसको रहने का, खाने का, जाने का, लौटने का? चाहो उस कभी टिकट वसूल कर लेते हैं उससे, ट्रेन का इंजाम सभी का, इतना समय लगा है, इतना लंबा लॉकडाउन हुआ, इसमें सभी मजदूरों को और छात्रों को घरे पहुंचाया जा सकता था आसानी से, लेकिन लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं और ये लॉकडाउन लॉकडाउन का मंत्र पढ़ रहे हैं। इसलिए ये, और जो आर्थिक हालत में गिरावट होगी, माइनस में चला जाएगा जीडीपी ग्रोथ, और आगे संभावना है भुखमरी की, करोड़ों लोग भूख से मरेंगे बिना काम के, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, इसके लिए इनके पास है कोई योजना? लॉकडाउन लॉकडाउन करके बहादुरी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम विश्व की महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। कई देश बिना लॉकडाउन के महामारी का मुकाबला किया, लेकिन यहाँ आसान है लोगों पर, उनको तानाशाही के तरह काम करने का मौका मिल गया, लोगों पर जुल्म करने का, कहाँ कहाँ पुलिस लाठियाँ बरसा रही है, ये कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना इनका जांच का इंजाम है, अभी तक किट का इंजाम हुआ इनके पास, डॉक्टर के सुरक्षा का इंजाम हुआ, जो डॉक्टर लोग लाग जा रहे हैं। लॉकडाउन कितने परसेंट से अति सफल मान रहे हैं आप लोग? लॉकडाउन को कौन सफलता हम मान रहे हैं? लॉकडाउन सब लोग अपना घर में बंद हैं, उनको दिक्कत हो गई, परेशानी हो रही है, उसका ना इंतजाम करना चाहिए, जे जहाँ का तहाँ रुक गया, काय काय त्राई त्राई कर रहे हैं उनके परिजन, वहाँ विशाखापट्टनम में सैकड़ों लड़के लड़कियाँ यहाँ से जो पढ़ने गए थे घर आने को आतुर हैं, वहाँ पर जहरीली गैस फैल गई, सबके परिवार परिजन चिंतित हैं, कोई देखने वाला है, कोई विचार करने वाला है? लेकिन अब सरकार अपनी वाहवाही में है कि हम बड़ा इंजाम कर रहे हैं, बाकी क्या इंजाम है? देख रहे हैं इंजाम, जो औरंगाबाद में वहाँ मजदूर कट कर मर गए, हर लोग पैदल आ रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं, भूखे प्यासे, न कहीं होटल है, न दुकान है, न दौड़ी है, या कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, न उनके पास इंजाम है खाने का। इसलिए ये बहुत दुखद स्थिति है, और देश में और इससे कठिन परिस्थिति आने वाली है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार इसके मुकाबला करने के लिए क्या योजना बनाई है। ये हमको लगता है कि एकदम भगवान के भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है,
कि कोरोना से बचिए, भुखमरी से बचिए, जाने जनता जाने लोग। सरकार को बहुत जवाब दे ही मैं नहीं देख रहा हूँ, न जिम्मेदारी मैं देख रहा हूँ, न ही अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। केवल अपना प्रचार करके अपना चाहते हैं कि भुआ का पर्वत खड़ा करें, बोल बात करके। काम करने की जगह बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसान लॉकडाउन के चलते गरीबों के साथ साथ किसानों पर भी बड़ा भारी आफत आ गया। प्राकृतिक आपदा ये तो आसमानी है, लेकिन सरकारी आपदा सुल्तानी है। तो दो तरह की आपदा से किसान परेशान, एक सरकारी और एक आसमानी। बेमौसम के बरसात से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, पत्थर ओले पड़े जिससे हजारों एकड़ का फसल चौपट हो गया, किसान तबाह हो गए। दाम भी उनको नहीं मिल रहा, मकई की कीमत क्यों नहीं तय हुआ और क्यों उनको 900,000 रुपए कुंटल के भाव से उनको बेचने को मजबूर हैं मकई के किसान। इसी तरह से गेहूं का किसान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, बर्बादी हो गई, भूसा बर्बाद हो गया। इतना जब भूसा का अभाव है, महंगा चल रहा है, अनाज का दाम उनको नहीं मिल रहा है, किसान और ज़्यादा परेशान हैं। न उनको कोई सरकार से सहायता मिल रही है, केवल प्रचार के सिवा हम रुपया भेज दिया 1,500। अब जिसका हजारों हजार का फसल बर्बाद हो गई, उसको 1,500 भेज देने से किसान का क्या काम चला। इसीलिए किसान का भी भारी संकट हो गया है एक लॉकडाउन के चलते, लेकिन सरकार के पास उसकी सहायता की कोई योजना नहीं है। बार बार घोषणा होती है कि किसानी का काम लॉकडाउन में नहीं रुकेगा और छूट दी गई। उनको भी सिपाही ट्रैक्टर वाले को कंधा को उठ बैठ करा रहा है, लाठी मारता है, वसूली भी हो रही है, उनकी गाड़ी का चेकिंग हो रही है। ये कोरोना से मुकाबला में ये पुलिस वाले अलग ने है लॉकडाउन, अब पुलिस वाले के लिए मालदाउन, ये कहीं इंतजाम है, कौन व्यवस्था।